नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार से जुड़ी खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज के अंक में हम जानेंगे कोरोना संक्रमण की जांच करने वाली एक नई तकनीक और IIT मद्रास द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल तकनीक आधारित एजुकेशन मॉडल के बारे में। विज्ञान जगत से जुड़ी खबरें और भी होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए नई तकनीक विकसित, कम समय में ही ऑन साइट हो सकेगी SARS-CoV-2 की पहचान। IIT मद्रास के वैज्ञानिक विकसित कर रहे हैं AR/VR आधारित टीचिंग लर्निंग मॉडल, ग्रामीण स्कूलों की शिक्षा बनेगी डिजिटल। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए मुख्य रूप से RT-PCR और ELISA टेस्ट ही किए जाते हैं, लेकिन ये जांच तकनीकें एक तो समय अधिक लेती है, दूसरा इनके लिए प्रशिक्षित लोगों के साथ साथ जरूरी उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारतीय शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो शुरुआती चरण में ही ऑन द स्पॉट कोरोना संक्रमण की पहचान आसानी से कर सकती है। कैसे, आइए जानते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। लैटरल फ्लो इम्यूनो एसे यानी LFIA, ये वो नई तकनीक है जो RT-PCR टेस्ट का एक बेहतर विकल्प बन सकती है। ये तकनीक SARS-CoV-2 में मौजूद RBD यानी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन एंटीजन की पहचान संक्रमण के शुरुआती स्तर पर विजुअल लाइन ऑफ डिटेक्शन यानी कि दिखाई देने वाली रेखा द्वारा कर सकती है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस के स्पाइक पर मौजूद वो भाग होता है जो होस्ट सेल में प्रवेश कर संक्रमण फैलाता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन सिद्धांत पर कार्य करने वाली सैंडविच बेस्ड लैटरल फ्लो इम्यूनो एसे तकनीक को हैदराबाद स्थित DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और गांधी मेडिकल कॉलेज के शोधार्थियों ने विकसित किया है। खास बात यह है कि इस तकनीक में इस्तेमाल होने वाली टेस्ट स्ट्रिप का परीक्षण मोबाइल ऐप द्वारा किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थान साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के सहयोग से वैज्ञानिकों ने मिलकर RBD प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार जीन का क्लोन विकसित किया और इसे शुद्ध कर इसका एंटीबॉडी तैयार किया। फिर इस एंटीबॉडी को मोनोडिस्पर्स गोल्ड नैनोपार्टिकल के साथ मिलाया गया जिससे इसका कलरमेट्रिक डिटेक्शन किया जा सके। फैब्रिकेटेड LFIA सैंडविच फॉर्मेट में कार्य करता है जहां सैंपल में मौजूद RBD टारगेट एनालाइड गोल्ड नैनोपार्टिकल के साथ संपर्क में आकर एक टेस्ट लाइन कलर बैंड के रूप में उत्पन्न करता है। टेस्ट और नियंत्रण रेखा पर बैंड के रंग का उभरना पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है जबकि एक सिंगल लाइन नेगेटिव रिजल्ट दर्शाती है। नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर टेस्ट एंड कंट्रोल के रूप में RBD एंटीबॉडी और IgG सेकेंडरी एंटीबॉडी का लेप लगाया जाता है जिससे कि सैंपल में एंटीजन का पता लगाया जा सके। स्ट्रिप पर कलर बैंड का परीक्षण मोबाइल ऐप के जरिए किया जाता है। ये शोध हाल ही में जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। दूर दराज के इलाकों में ऑन साइट SARS-CoV-2 का पता लगाने के लिए LFIA स्ट्रिप्स पोर्टेबल और पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस के रूप में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। RT-PCR टेस्ट की तुलना में काफी कम लागत में विकसित की गई LFIA स्ट्रिप्स उन लोगों के लिए भी किफायती साबित होगी जो RT-PCR का खर्चा नहीं उठा सकते। ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी जैसी आधुनिक तकनीकों ने शिक्षा के क्षेत्र में नए द्वार खोल दिए हैं। इन तकनीकों ने पढ़ने और पढ़ाने के तरीकों में ऐसा बदलाव लाया है जहां अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि छात्र आभासी वास्तविक दुनिया में नए प्रयोग कर पा रहे हैं। AR/VR आधारित ऐसा ही एक मॉडल विकसित कर रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ता, जो ग्रामीण स्कूलों की शिक्षा को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने शिक्षा का भी डिजिटाइजेशन कर दिया है। आधुनिक डिजिटल तकनीक द्वारा आज दुनिया के किसी भी कोने से शिक्षा हासिल की जा सकती है। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के वैज्ञानिक आधुनिक तकनीकों से लैस
टीचिंग लर्निंग मॉडल के जरिए ग्रामीण स्कूलों की शिक्षा को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की तैयारी में है। यहाँ के सेंटर फॉर मेमोरी स्टडी के वैज्ञानिक डॉक्टर मेरीन सिमिराज और डॉक्टर अविकेश पुरी ने पहला AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसका नाम मेमोरी बाइट्स है। This is an animated app, which means that it works with a marker. It works with an augmented reality based marker. And all of these artifacts will work as physical markers. And when viewed through the app, it will begin to animate itself. The marker, the images, the documents, and during the digital exhibition, we also had more artifacts. So all of these physical artifacts will work as a trigger, and it will begin to animate content in the form of video, in the form of audio, and it'll also provide additional supplementary material. मेमोरी बाइट्स अंतर्राष्ट्रीय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 500 वर्षों के इतिहास को कैप्चर करता है, यानी कि बताता है। एंड्रॉयड और iOS दोनों ही वर्जन्स में उपलब्ध ये मोबाइल ऐप तस्वीरों, मानचित्रों और प्राचीन दस्तावेजों का इंटरैक्टिव, एनिमेटेड और वास्तविक अनुभव कराता है। This app will give a very comprehensive view of the history and lived experience of the community, focusing on their lifestyle, on their particular kinds of settlements from, say, early 15th century onwards. And in this process, it will also enable the students or the researchers or even a layperson who is keen to know more about the community to engage with various aspects of the history, culture, heritage and lived experience of the community. AR/VR आधारित इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों के आसपास VR इनेबल्ड अनुभव करने वाला वातावरण विकसित करना है, जहां वो सामाजिक विज्ञान, इतिहास, विज्ञान और भाषा जैसे विषयों को रोचक ढंग से पढ़ और सीख पाएंगे। AR/VR वर्ल्ड बिल्डिंग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग और गेम्स के जरिए बच्चों में सीखने की प्रक्रिया और भी कुशल हो सकेगी और वे उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी तैयार हो पाएंगे। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। CSIR की देहरादून स्थित प्रमुख प्रयोगशाला भारतीय पेट्रोलियम संस्थान 13 से 19 अप्रैल 2023 तक वन वीक वन लैब यानी एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान चला रहा है। 13 अप्रैल को उद्घाटन के साथ शुरू होकर पूरे सप्ताह चलने वाले इस अभियान में विचार विमर्श आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी आयोजन के अंतर्गत 14 अप्रैल को CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के 63वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नीति निर्धारकों की एक बैठक रखी गई। इस बैठक में संस्थान के विभिन्न प्रौद्योगिकियों के आइडिया न्यूक्लिएशन से लेकर उद्योग में इसके कार्यान्वयन की विकास यात्रा का भी प्रदर्शन किया गया। संस्थान ने 15 अप्रैल को जिज्ञासा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल से युवा छात्रों तक पहुंचने की कोशिश की, जहां छात्रों ने CSIR IIP के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहल और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए उत्तराखंड के बजरीकोट गांव में ग्राम चौपाल कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। गौरतलब है कि देशभर में फैली 37 CSIR प्रयोगशालाएं अलग अलग विशेष क्षेत्र के लिए कार्य करती हैं। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला यानी कि वन वीक वन लैब अभियान की औपचारिक शुरुआत 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली से की गई थी। ये अभियान हर प्रयोगशाला को उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, ताकि आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे और वो इसका लाभ उठा सकें। ब्रह्मांड में शुरुआती आकाश गंगाओं की उत्पत्ति और विकास को लेकर खगोलविदों को फिर से विचार करना पड़ सकता है। ब्रह्मांड में से सबसे दूर और शुरुआती आकाश गंगा GNZ-11 के हाल ही के स्पेक्ट्रोस्कोपिक परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक अंतरिम अवधि से इसके पास डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के कण मौजूद नहीं है। तारों के निर्माण की प्रक्रिया और साथ ही स्टेलर एवोल्यूशन यानी कि तारकीय विकास भारी मात्रा में अनिवार्य रूप से धूल उत्पन्न करते हैं, जो आकाशगंगा के चारों ओर वेल यानी कि पर्दे की तरह फैलकर इसे कुछ हद तक अपारदर्शी बना देते हैं। इस तरह की घटना GNZ-11 में नहीं पाई गई है, जिसने खगोलविदों को आश्चर्य में डाल दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने वायलेंट डायनेमिक इवेंट यानी किसी तीव्र गति से होने वाली घटना के भौतिक विशेषताओं का अनुमान लगाया है, जो GNZ-11 के आसपास कम समय में धूल के कणों के खत्म होने और पारदर्शी बनने का कारण बनी होंगी।
अध्ययन में कहा गया है कि धूल के बादलों के इस अस्थायी रूप से गायब होने के कुछ संभावित कारण हैं, जैसे सुपरनोवा विस्फोट से उल्टे झटके से धूल का दमन और सुपरनोवा ट्रिगर से धूल का विनाश। हाल ही में लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा उत्पन्न बेहतर डेटा के साथ निकट भविष्य में उच्च रेडशिफ्ट आकाशगंगाओं का अध्ययन अधिक जटिल और रोमांचक हो सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।